إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارا یہ کورس سیرت النبی کے حوالے سے چل رہا ہے. آج آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی پہلو, تبلیغ کا جو ابتدائی پہلو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا. پہلی وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا, اور خفیہ تبلیغ, اعلانیہ تبلیغ نہیں تھی. اللہ کا پیغام اور اللہ کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر پہنچانا شروع کر دی. تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کر لیا, اور مردوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا. حضرت ابو بکر صدیق بہت بڑے مالدار انسان تھے اور تاجر انسان تھے, اور بہت بڑے فیاض اور سخی انسان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تجارت اور کاروبار بھی کرتے تھے. تو مردوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا, اور بچوں میں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا, اور غلاموں میں سے حضرت زید نے اسلام قبول کیا. یہ ابتدائی طور پر مسلمان ہونے والے لوگ تھے, ابتدا میں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا یہ سلسلہ جاری رکھا. ان کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت سعید, حضرت خباب, حضرت بلال حبشی, حضرت عمار بن یاسر, حضرت عمار کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, یہ وہ لوگ ہیں صہیب رومی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور آپ کی دعوت پر لبیک کہا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, قرآن نے انہیں نبی کا صاحب, نبی کا صحابی کہا ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. حضرت ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ساتھ دیا. تمام حالات میں
तमाम हालात में आपका साथ दिया। तबलीग के मामले में भी आपके साथ रहे। बहुत सारे सहाबाए किराम हैं जिन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक की दावत और तबलीग की वजह से इस्लाम कबूल किया, और इसी तरीके से हर वक़्त और हमा वक़्त हजरत अबू बकर सिद्दीक की यह ख्वाहिश होती थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं साथ दूँ। हमा वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को इतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत थी, यहाँ तक कि हजरत अबू बकर सिद्दीक आपकी हिजरत के साथी हैं। हिजरत मदीना यानी मक्का से जब आपने मदीना की तरफ हिजरत फरमाई थी, उस वक़्त आपके साथी सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी गज़वे का या मार्के का हुक्म देते तो हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले पहुँचते हैं, और जब लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के मामले पर तकदीब कर दी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तस्दीक फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक अमीन और सच्चा कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने सबके एहसानात का बदला चुका दिया है, अगर मैंने किसी के एहसान का बदला नहीं चुका सका तो वो मेरे साथी अबू बकर सिद्दीक हैं, और क़यामत के दिन मेरा रब इनके एहसानात का बदला चुकाएगा। अगर मैं किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर सिद्दीक को मैं अपना खलील बनाता। और फरमाया कि क़यामत के दिन मेरा ख्याल ये है कि जन्नत के आठों दरवाज़ों से जिस सहाबी को या जिस शख्सियत को पुकारा जाएगा वो मेरे सहाबी अबू बकर सिद्दीक हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब किसी ने पूछा कि मर्दों में से कौन आपको महबूब है, जब आपसे पूछा गया मन हब्बुन नासी इलै कि लोगों में से सबसे ज़्यादा महबूब आपके यहाँ कौन है, तो आपने आयशा सिद्दीका का नाम लिया। सवाल किया गया मिनर रिजाल मर्दों में से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्दों में से सिद्दीका का इनाद के बाप अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत है, तमाम इंसानियत से बढ़कर मुझे मोहब्बत है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की साहबजादी सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तारीख इस बात पर शाहिद है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तमाम हालात में गज़वे बद्र हो या गज़वे उहद हो या गज़वे अहज़ाब हो या गज़वे खंदक हो, तमाम हालात में गज़वात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा जो है वो साथ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में अपने मुसल्ले पर अपने साथी अबू बकर सिद्दीक को खड़ा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में अपने मुसल्ले पर खड़ा किया सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफ़े बिला फसल हैं और पहले खलीफ़े हैं, खलीफा बिला फसल हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम सहाबाए किराम ने इत्तेफाक किया, तमाम सहाबाए किराम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर जो है वो बैत की। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी जो वसीयतें थीं अपने दौर खिलाफत में उनको नाफिज़ फरमाया।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुर्तदीन के ख़िलाफ़ ऐलान जिहाद किया और मुद्दईन नबुव्वत के ख़िलाफ़ ऐलान जिहाद किया। और कई एक जो है तारीख़ के अंदर ये सारी बातें मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई एक वसीयतें थीं, उनके ऊपर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमल किया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक वो सहाबी हैं जिन्होंने सबसे पहले आपकी दावत पे लब्बैक कहा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा हैं, उम्महातुल मोमिनीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद हज़रत खदीजा से हैं, सिवाय इब्राहिम के वो मारिया क़िबतिया से थे, वो बाकी सारी औलाद हज़रत खदीजा से हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा साथ दिया, तबलीग के मामले में और जो है वो दावत के मामले में, और माली एतबार से भी बड़ा साथ दिया। हर एतबार से हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा साथ दिया और उनके एहसानात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी वफ़ात के बाद याद करते थे और उनका तज़किरा करते थे। सय्यद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़रमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी पहली ज़ौजा हज़रत खदीजा को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, क्या वजह है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मेरी पहली ज़ौजा हज़रत खदीजा के मेरे ऊपर बड़े एहसानात हैं, मेरे ऊपर बड़े एहसानात हैं। बसा औकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हदाया तोहफे तहाइफ हज़रत खदीजा की सहेलियों के पास जो है वो भेजते थे। इसी तरीके से ज़ैद बिन हारसा ये ग़ुलाम थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको आज़ाद कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद को अपना मुतबन्ना अरबी में कहते हैं, यानी मुंह बोला बेटा, हकीकी ये बेटे नहीं थे लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूंकि इनके साथ बड़ी मोहब्बत थी, आपने इनको अपने यहाँ बेटे का दर्जा दिया हज़रत ज़ैद को। और फिर हज़रत ज़ैद के बेटे उसामा, उनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत दी, बड़ी शफकत दी और बेटे का दर्जा दिया। हज़रत ज़ैद बिन हारसा के बाद हज़रत अम्मार, ये अम्मार जो है वो अम्मार के वालिद हज़रत यासिर, ये यमनी थे, यमन से आए थे और यहाँ मक्का में इस्लाम कबूल किया। और इनकी ज़ौजा हज़रत सुमैया ने भी इस्लाम कबूल किया और इनके बेटे हज़रत अम्मार ने भी बड़ा साथ दिया, इन्होंने भी इस्लाम जो है वो कबूल किया। अबू जहल ने इनको बड़ी तकलीफ़ें पहुँचाई, बड़ी अज़ियतें और बड़ी सऊबतें इन्हें बर्दाश्त करनी पड़ी इस्लाम की खातिर, लेकिन इन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, यहाँ तक कि अपना नफ्स भी, अपनी जान भी कुर्बान कर दी इस्लाम की खातिर और दीन की खातिर। अबू जहल ने बड़ी बेदर्दी के साथ इन्हें शहीद कर दिया। हज़रत सुमैया को हज़रत यासिर और हज़रत यासिर के बेटे हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके बाद हज़रत बिलाल, ये ग़ुलाम थे, हबशी नसल थे, हबशी थे, हबश से आए थे और ये ग़ुलाम थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम की खातिर, ला इलाहा इल्लल्लाह की खातिर, तौहीद की खातिर बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी। तारीख़ में ये बातें मौजूद हैं कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तपती धूप के ऊपर इन्हें लिटा दिया जाता, अंगारों के ऊपर इन्हें लिटा दिया जाता और लोग जो है इनके इनके छाती पर जो है वो पाँव दे के खड़े हो जाते, इतना तकलीफ़ें जो है वो पहुँचाते हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, लेकिन फिर भी इनकी ज़बान पर एक ही लफ्ज़ होता, अहद अहद अल्लाहु अहद, कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ा साथ दिया। तारीख़ इस्लाम और उम्मत मुस्लिमा इन्हें मुअज़्ज़िन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से याद करती है।
हजरत बिलाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मुअज्जिन थे, अजान देते थे। हजरत बिलाल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़ी मोहब्बत थी और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत बिलाल के साथ बड़ी मोहब्बत थी। हजरत खब्बाब बिन अरत, हजरत खब्बाब बिन अरत ये भी गुलाम थे, इन पर भी बहुत जुल्म व सितम जो है वो किए गए, जुल्म व सितम के पहाड़ ढाए गए हजरत खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर। तो ये और इसी तरीके से सुहैब रूमी, ये रूम के बाशिंदे थे, अरब के अंदर, अरब में आकर ये आबाद हुए। हजरत सुहैब ये ग़ुलाम की हैसियत पर थे, इनको भी बड़ी जो है वो तकलीफ़ें पहुँचाई गई इस्लाम की खातिर। तो ये हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ मक्का के बहुत बड़े जो है वो ताजर थे। जब दीन को, दावत को, ला इलाहा इल्लल्लाह को, तौहीद को कबूल किया तो लोगों ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को बड़ी तकलीफ़ें पहुँचाईं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, सईद, हजरत तलहा, ज़ुबैर और बिलाल, खब्बाब बिन अरत, सुहैब रूमी, ये वो सहाबा किराम हैं जिन्हें इस्लाम के पहले दौर के अंदर जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम की खातिर इन्हें बहुत तकलीफ़ें सहनी पड़ी। यहाँ तक कि कुरान करीम ने इनके मुतल्लिक फरमाया, इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्बस्तकामु ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तखाफु वला तहज़नु व अबशिरु बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून। ऐसे लोग जो इस्तकामत का रास्ता इख्तियार करते हैं, इनके लिए कोई खौफ नहीं, कोई ख़तरा नहीं, कोई गम नहीं, इनके लिए खुशियाँ खुशियाँ हैं, इनके लिए राहतें ही राहतें हैं और इनके लिए आराम और सुकून है इनके लिए। अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये इब्तदाई तबलीग थी। तीन बरस तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुफिया तबलीग करते रहे। 3 साल के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने आपको हुक्म दिया, फस्दअ बिमा तुअमर, और दूसरी आयत करीमा नाजिल हुई जैसा कि सहीहुल बुखारी में है, वह अनजिर अशीरतकल अकरबीन, कि अपने खानदान को डराइए, अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए और खुलकर तबलीग कीजिए, एलानिया तौर पर तबलीग कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला के इस हुक्म की तामील और तकमील करते हुए कोहे सफा पर चढ़ गए और कोहे सफा पर खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या बनी कुरैश, या बनी अब्द मनाफ, या सफ़िया, या फातिमा की निदाएँ और सदाएँ लगाईं और तमाम कुरैशी और तमाम हाशमी सब के सब जो है आपके करीबी जो है वो उस पहाड़ी के इर्द गिर्द जो है वो जमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप लोगों ने मुझे किस तरह पाया है, तो सब ने कहा, हमने आपको सच्चा और अमीन पाया है, हमने आपको सच्चा और अमीन पाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इस सफा पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर तुम्हारे ऊपर हमला आवर होना चाहता है, क्या तुम मेरी इस बात की तस्दीक करोगे? सब ने कहा, हाँ, नाम, हम आपकी इस बात की तस्दीक करेंगे कि आप जो है वो सच कह रहे हैं, इसलिए कि आप सच्चे इंसान हैं, इसलिए कि आप जो है वो अमीन अमानतदार इंसान हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम मेरी इस बात की तस्दीक करते हो तो फिर इस बात को भी तस्लीम कर लो, इस बात को भी मान लो कि इस पूरी कायनात का एक इलाह है और एक ही माबूद है। कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम सब ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, सब मुवहिद हो जाओ, बुत प्रस्ती को छोड़ दो, तुफ्लिहू, कामयाब हो जाओगे, फलाह है, कामयाबी है। और दूसरी बात, तमलिकुल अरब वल अजम, अरब के बादशाह बन जाओगे और अजम के बादशाह, यानी पूरी दुनिया के, पूरी इंसानियत पर तुम हुक्मरानी करोगे। शर्त यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचों में से अबू लहब ने सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए और सख्त बरहमी का और नाराजगी का इजहार करके वो वहां से जो है वो चला गया। और अल्लाह तबारक व तआला ने वो सख्त तरीन अल्फाज जो उसने रसूलुल्लाह के लिए इस्तेमाल किए, अल्लाह तबारक व तआला ने वही अल्फाज अबू लहब के लिए इस्तेमाल किए। इसके बाद एलानिया तौर पर
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का जो सिलसिला है इसको जारी रखा है। इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग जो है वो मंडियों में जाते और इसी तरीके से बसा औकात हरम में आकर जो है वो तबलीग करते और बुत परस्ती के खिलाफ और उनकी गैर अखलाकी हरकत के खिलाफ। कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन थे। इसकी वजूहात क्या हैं, इसके असबाब क्या हैं? बनी कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े मुखालिफ और सबसे बड़े दुश्मन क्यों थे, इसकी वजूहात क्या थी, असबाब क्या थे? सबसे पहला सबब और सबसे पहली बात यह थी कि कुरैश बुत परस्त कौम थी और ख़ास तौर पर मक्का में बुत परस्ती सदियों से बहुत ज़्यादा जो है वो फैल चुकी थी। खुद खाना काबा में 360 बुत रखे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत थी वो उस बुत परस्ती के खिलाफ थी कि ये बुत परस्ती शिर्क है, ये शिर्क अकबर है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत थी वो बुत परस्ती के खिलाफ थी, लिहाजा बनी कुरैश आपके मुखालिफ हो गए। और दूसरी वजह कि कुरैश के अंदर जहां ये बुत परस्ती थी वहां ये बात भी मौजूद थी कि वो गैर अखलाकी हरकत के अंदर जो है मुलव्वस थे, गैर अखलाकी हरकत में वो दाखिल हो चुके थे। रसूलुल्लाह सल्लम की जो दावत थी वो उसके भी क्या थे, खिलाफ थी कि गैर अखलाकी जो हरकत हैं इनको छोड़ दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो दुश्मन हो गए। और तीसरी वजह कि कुरैश के यहाँ, कुरैश के यहाँ कुरैश का एक नाम था और कुरैश का इक्तदार था और कुरैश की एक शोहरत थी। अरब के यहाँ कुरैश का एक मनसब था, एक मकाम था। तो कुरैशों ने समझा कि ये जो है वो ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो हमारे इक्तदार के खिलाफ है, ये हमारे मिशन के खिलाफ है, हमारे मनसब के खिलाफ है, ये तो हमारी शोहरत को बर्बाद करके रख देगा, लिहाजा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो दुश्मन हो गए। और इस इतना दुश्मन इन सख्त तरीन जो है वो दुश्मन हो गए। और तमाम रुअसाए कुरैश यानी सरदारान कुरैश सब ने मिलकर उसके अंदर उतबा भी था, उसमें शैबा भी था, उसमें वलीद भी था, उसमें अबू जहल भी था, ये सब के सब जमा होकर अबू तालिब के पास पहुँचे कि अपने भतीजे को रोक दीजिए, अपने भतीजे को मना कीजिए कि अपनी दावत जो है वो छोड़ दें, दावत का काम जो है वो तर्क कर दें। अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, अपने भतीजे को बुलाया कि ये मेरे पास आए हैं, ऐसा है कि मेरी खातिर आप अपना जो है वो काम छोड़ दीजिए, मेरे ऊपर आप ज़्यादा बोझ ना डालें, मेरी वजह से अपना काम तर्क कर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूंकि हुक्म था फसदा बिमा तोमर, डट जाइए, फसदा बिमा तोमर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चचा जान अगर ये लोग मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चांद रख दें, सूरज और चांद को मेरे सामने लेकर आए तब भी मैं इनकी बात को नहीं मानूंगा और मैं अपना काम जो है वो तर्क नहीं करूँगा, मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा। अबू तालिब ने कहा भतीजे जाओ इस काम को जो है वो जारी रखो। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से तबलीग का जो है वो सिलसिला शुरू कर दिया। और फिर कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि अगर आपको बादशाह चाहती है, इख्तदार चाहिए आपको, तो हम आपको इख्तदार देने के लिए तैयार हैं। अगर आपको हसीन तरीन लड़की चाहिए तो वो भी हम आपको देने के लिए तैयार हैं। अगर आप कोई जो है वो दुनिया चाहिए तो हम आपको दुनिया देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने काम को आप तर्क कर दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फसदा बिमा तोमर, इन सारी बातों को छोड़ दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का, तबलीग का जो सिलसिला था इसको आपने जो है वो जारी रखा और तबलीग करते रहे, एलानिया तौर पर तबलीग, खुलम खुला तबलीग, सबके सामने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। आज यहाँ तक काफ़ी है, इसके बाद मज़ीद जो गुफ्तगू है इंशाल्लाह फिर वो नेक्स्ट जो है वो सेशन में करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो कुछ मैंने बयान किया अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान व हदीस की फहम अता फरमाए। अकूल कौली हादा अस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन।